घर छोड़कर गई दो बेटियां, पिता को लिखा पत्र, हम जा रहे हैं, हमें माफ करना, आप खुश रहो अपने बेटों के साथ, हम दोनों जा रहे हैं, आपसे मिलने जरूर आएंगे, अपना ध्यान रखना, परेशान मत होना, अगर पूछे कोई पूछे आपकी बेटियां कहां गई तो बोलिएगा वो उड़ीसा चली गई, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, सॉरी पापा। ये पत्र लिखकर रेलवे कर्मचारी दौलत कुमार की बेटियां पूजा कुमार और आरती कुमार 18 घर से कहीं चली गई। आरती और पूजा के तीन बड़े भाई हैं, लेकिन तीनों बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं। मां की मृत्यु के बाद दोनों बेटियां अपने पिता के साथ पिछले 4 साल से शिवपुरी में रह रही थी। पिता दोनों को पिछले 10 दिन से तलाश रहा है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग पाया। पिता पिछले 10 दिनों से ना तो बेटियों से कोई बात कर पाया, ना ही उसका सुराग मिला। पिता को अब डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। कोतवाली टीआई सुनील खेमरिया ने बताया कि रेलवे के एक कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बेटियां 10 जनवरी की रात से गायब हैं। दोनों ने एक लेटर छोड़ा है, हमने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है, दोनों लड़कियों का पता लगाया जा रहा है। सर वो लेटर लिख के गई हैं जी, ये आप अपने लड़कों के साथ खुश रहना और हम जा रहे हैं, और कोई पूछे तो उड़ीसा चले जाना, लेकिन हमको बहुत टेंशन है सर, किसके साथ गई हैं, क्या है, कोई जान पहचान भी नहीं है, ज्यादा साथ तो नहीं। आपको कुछ पता लगा है किसके साथ गई हैं? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन पापा बता रहे थे, बोले रेलवे कॉलोनी के किसी के साथ भागी हैं, अब उनको भी फुल जानकारी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब रेलवे कॉलोनी के दो लड़के गायब हैं आपके कहना है ना? हाँ, पापा का कहना है ये, मैंने तो अभी कुछ जानकारी इतनी है नहीं। तो ऐसा क्यों कह के लिख कर गई है वो कि ना आप अपने लड़कों के साथ खुश रहने, क्या कोई परेशानी थी उन्हें? नहीं सर, उन्हें मेरे से परेशानी थी। किस तरह की? क्योंकि मैं घर पे रहता था तो उनको कहीं जाने का, कहीं बाहर जाने का अलाउ नहीं करता था सर मैं। जी जी, इसलिए उनको मेरे से परेशानी थी। मैंने पापा से बोला था 8 तारीख को, जनवरी 8 तारीख को, कि पापा मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो बहनों ने मुझे मना कर दिया था कि आप मत आओ। क्यों? क्या मालूम अब क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मतलब आपके रहने से उन पर पाबंदी लग जाती है? पाबंदी लग जाती है, यही बात, इसलिए वो मतलब उनको छूट नहीं मिलती, कोई आज़ादी नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया सर, मैं नहीं आ रहा था। फिर ये पता नहीं 11 तारीख को क्या हुआ सर, रात की 11:30 बजे पापा बता रहे हैं, तो रात के 11:30 बजे करीब भाग गए वो लेटर वेटर लिख के। तो मेरे को पापा ने फ़ोन करा, फिर मेरे को बुलाया यहाँ पे, फिर मैं इंदौर से आया सर यहाँ पे 12-13 तारीख जी। मेरे को भी बाहर साइड वालों से, पड़ोस वालों से पता चला कि दो लड़के आते थे और ये अपने छत पे बाजू में से कुछ ना कुछ सामान वामान फेंक के जाते थे। हाँ, आपके घर में? हाँ, छत के ऊपर। हाँ, तो मैंने पूछा क्या सामान फेंकते थे, तो उनको भी इतनी जानकारी नहीं क्या फेंकते हैं क्या नहीं, उनसे मैंने पूछा आपको पूछना चाहिए, कोई छत पे फेंक रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि क्या है भैया क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि भैया हमको इतनी क्या मतलब है किसी से, आप अगर हम बोलेंगे तो आप फिर कल को ये बोलोगे कि मेरी लड़की, उनको आप रोक टोक कर रहे हो ऐसा और वैसा, इसलिए हमने पूछा ताछ नहीं करी है, यही बात है।